हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बास्केटबॉल गेम डायमेंशन। यहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डॉक्टर जेम्स स्मिथ वाज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन YMCA ट्रेनिंग स्कूल एट स्प्रिंगफील्ड USA। एक जो है YMCA एक संस्था है और वो संस्था ईसाइयों का जो धर्म होता है उस धर्म की प्रचार में ये है। आज से लगभग हम बात करें 18वीं शताब्दी में इन्होंने जो है इसको पॉपुलर किया था, ईसाई धर्म का प्रचार करती थी। तो ये संस्था अमेरिका के अंदर भी पहुंची। अमेरिका के अंदर पहुंचने के बाद USA के अंदर एक स्प्रिंगफील्ड में जो है एक कॉलेज था जिसका नाम है YMCA। अब YMCA कॉलेज में जो डॉक्टर जेम्स स्मिथ थे, ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, जो कि आप जो बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हैं आप, तो वो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे YMCA कॉलेज में। और ये कहाँ पर था? अमेरिका के अंदर। अमेरिका में कहाँ था? स्प्रिंगफील्ड एक प्लेस का नाम था। यहाँ पर इन्होंने एक गेम की शुरुआत की, उस गेम का नाम था बास्केटबॉल गेम। अब ये बास्केटबॉल खेलते कैसे थे, थोड़ा सा इस पर भी मैं बता देता हूँ। ये जो है जब बास्केट करते थे तो उस बास्केट के सामने सीढ़ियाँ लगी हुआ थी और सीढ़ी पर चढ़कर जाते थे, फिर वो बास्केट करते थे। आज के टाइम में जो मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया, आप जो हाथ से करते हैं, तो इसके पुराने रूल रेगुलेशन है। आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिलोसफी को पढ़ेंगे। ही इन्वेंटेड दिस पास्ट फेस्ड ऑफेंसिव गेम इन 1891। क्वेश्चन पूछा जाएगा बास्केटबॉल जो गेम था उसकी खोज किसने की? डॉक्टर जेम्स स्मिथ। कब की? 1891। ये दो क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम खोल के देख सकते हैं और वनडे एग्जाम भी खोल के देख सकते हैं। इट वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम्स। 1936 में इसको बर्लिन ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था बास्केटबॉल गेम को। एट वर्ल्ड लेवल इट्स रूल एंड टेक्निकलिटीज इज रेगुलेटेड बाय फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसको हम बोलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल की जो लेवल की जो बॉडी होती है जो गेम को कंडक्ट कराती है वो है FIBA, FIBA, फेडरेशन इंटरनेशनल, जिसको हम बोलते हैं बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट है इन इंडिया बास्केटबॉल इज रेगुलेटेड बाय बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। भाई हर एक कंट्री की एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल गवर्निंग बॉडी, और एक होती है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी। तो हमारी इंडिया की जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है उसको हम बोलते हैं BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बनी? 1950 में। ये फिक्स क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके हम रूल पर बात करते हैं। इसके रूल रेगुलेशन क्या है? टू टीम ऑफ 5 प्लेयर ईच ट्राई टू स्कोर पॉइंट बाई टॉसिंग दी बॉल इनटू दी अपोजिंग टीम बास्केट। हमारे पास आपको पता है एक कोर्ट होता है और एक कोर्ट को हम दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो उस टीम में जो है एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और वो पाँचों जो खिलाड़ी होते हैं वो बास्केट करने का प्रयास करते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट है अ फील्ड गोल काउंट फॉर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट भी होता है इफ इट इज थ्रो फ्रॉम आउटसाइड द 3-point line। अ फ्री थ्रो इज वर्थ द 1 पॉइंट। जैसे कि मैं भी आगे कोर्ट आएगा मैं बताऊंगा कि 3 पॉइंट कम मिलते हैं, 2 पॉइंट कम मिलते हैं, 1 पॉइंट कम मिलते हैं, बट आपको याद करना है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको आंसर लगाना है बास्केटबॉल गेम से। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि 1 पॉइंट कम मिलता है कहाँ से जब बास्केट करते हैं, 2 पॉइंट कम मिलता है किस प्लेस से बास्केट करते हैं, 3 पॉइंट कौन से एरिया से करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपका थोड़ा टिपिकल बन जाता है। ये मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। आफ्टर टेकिंग पोजिशन ऑफ द बॉल इट हैज़ 8 सेकेंड टू मूव द बॉल फॉरवर्ड अक्रॉस द मिड कोर्ट लाइन, 24 सेकेंड टू टेक अ शॉट एट द बास्केट। 8 सेकेंड में आपको जो है बास्केट अपने कोर्ट से दूसरे कोर्ट में लेकर जानी होती है। अगर आप
बास्केट को होल्ड कर लोगे 8 सेकंड से भी ज्यादा तो फाउल हो जाएगा। तो बास्केटबॉल को जो है हमें मिनिमम 8 सेकंड के अंदर जो है डायनेमिक पोजीशन में इधर कोर्ट से इधर कोर्ट में लानी होती है, और 24 जो सेकंड होती है 24 सेकंड में हमें बास्केट करनी होती है किसी भी टीम को। ये इसके रूल हैं, ये आपको याद करना होगा कि 8 सेकंड मीन्स क्या होता है और 24 सेकंड मीन्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बट ये क्वेश्चन आएगा एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम, बीपेड के में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर डीयू फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बीपेड की, बीएससी फिजिकल एजुकेशन की, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर, दी प्लेइंग टाइम पीरियड ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन विच इज एक्सटेंडेड इंटू 4 क्वार्टर। आपका जो गेम होता है बास्केटबॉल का वो 40 मिनट का होता है और उसमें 4 क्वार्टर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 40 मिनट कितने क्वार्टर होते हैं, 4। जैसे कि सेम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुटबॉल का जो गेम होता है वो कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का, 45 45 के 2 हाफ होते हैं। सेम इसी तरीके से पूछ रहा है, 4 क्वार्टर होते हैं, 40 मिनट्स का आपका गेम होता है। दी रेस्ट पीरियड इन बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वार्टर होते हैं उसमें 2 मिनट्स का जो है आपको ब्रेक, एंड हाफ बिटवीन सेकंड और थर्ड जो क्वार्टर होता है उसमें 10 मिनट का मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर हमारा 5। पांचवें नंबर का रूल क्या बोलता है, 5 सेकंड रूल, अ प्लेयर कैन नॉट होल्ड द बॉल विदाउट बाउंस फॉर अ मोर देन 5 सेकंड। अगर मैंने बताया था आपको, अगर आप बॉल को 5 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं, 8 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं, तो आपका फाउल हो जाता है। और मैंने आपको बताया 8 सेकंड में आपको इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आपको बॉल लेकर जानी होती है। नेक्स्ट, 3 सेकंड रूल, एनी ऑफेंसिव प्लेयर कैन नॉट स्टे इनसाइड द अपोनेंट्स रेस्ट्रिकेटेड जो एरिया होता है, मैं आपको विथ इमेज बताऊंगा वो एरिया कौन सा होता है। वहां पर अगर 3 सेकंड तक अपनी बॉल को पकड़ कर रखते हैं उस एरिया में रहते हैं तो वो फाउल हो जाता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आगे उसका कोर्ट आने वाला है। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फील्ड की हम बात करें, वेरी वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल प्लेयर की हम बात करें, टीम में टोटल प्लेयर इन टीम मतलब जो टीम तैयार होकर जाती है उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं बात करूं फील्ड प्लेयर जो मैदान में उतरते हैं, प्लेइंग प्लेयर, वो होते हैं हमारे 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं, और 7 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, एरिया ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट जो होता है हमारा उसका डायमेंशन कितना होता है, 18 × 15 मीटर इंक्लूडिंग जो लाइन जो होती है हमारी 5 सेंटीमीटर वाली जिसकी विड्थ होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमारा बास्केटबॉल जो होता है गेम, उसका एक मैदान होता है और उसके मैदान में बीच में एक मार्क होती है और बीच में एक सर्कल होता है, तो उस सर्कल के हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो वो होती है 1.80 मीटर। ये आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ बोर्ड, भाई बोर्ड की हाइट कितनी होती है, 2.90 मीटर फ्रॉम सरफेस, जो आपका सरफेस होता है मैदान वहां से लेके वहां तक। बास्केटबॉल जो बैक बोर्ड जो होता है, जो आप बास्केटबॉल करते हैं उसके पीछे एक बैक बोर्ड लगा रहता है, वो 180 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर का जो उसका मेजरमेंट होता है। डायमीटर ऑफ रिंग की बात करूँ 45 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप सारे लोग रट लेंगे और नोट करके भी लिख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, एमपेड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अगर मैं बास्केटबॉल गेम की वेट की बात करूं, जो वजन जो पूछा जाता है वो है आपका 600 से 650 ग्राम इसका वजन होता है बास्केटबॉल गेम का। ड्यूरेशन ऑफ गेम की बात करूं, 40 मिनट्स और 4 क्वार्टर होते हैं, ये भी आपको याद करना है क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है बीपेड एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम। टाइम आउट की बात करूं, 1 मिनट ड्यूरेशन टाइम आउट मिलता है। विड्थ ऑफ मार्किंग लाइन, जो आपके ये ब्लैक वाली ये मार्किंग लाइन जो दिख रही है, इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो होती है 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मैदान कैसा होता है, ये है आपका मैदान, ये आपका बास्केटबॉल का मेजरमेंट। मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा सेंटर सर्कल। अगर आप बास्केटबॉल को जो हम
बास्केट करने जाते हैं, अगर आप जो डी है आपकी, अगर आप यहाँ से बास्केट करते हैं तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट, मैंने आपको बताया। अगर आप इस टीम में खड़े हैं और यहाँ से बॉल को लेकर आपको 8 सेकंड में जाना होता है इट्स जो है इस वाले जो है फील्ड में, और 24 सेकंड में आपको या इधर कोई भी टीम को बास्केट करनी होती है। ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ये अगर इसके अंदर अगर आप 3 सेकंड तक आप जो है होल्ड रहोगे तो आपको फाउल कर दिया जाएगा। अगर आप चलते चलते जो है आप बास्केट करते हैं तो वो है जो 1 पॉइंट उसमें मिलता है, मैंने आपको बताया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये जो है क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा मेजरमेंट, इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 18 × 15 मीटर होती है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेक्टेड, जैसे कि मुझे पता है मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैसेज कॉल कर रहे हैं कि सर क्या पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट बता दो। अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट में, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब कोई भी चीज़ न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई, आपके नोट्स बन गए, तो आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। थोड़ा सा करंट अफेयर जो होती है, बदलाव क्या हो रहा है, मिनिस्टर, ये इन पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर उससे मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, तो अपनी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और उसको देखें कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके उस टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन राइट भी होते हैं तो आप सोच लो कि आपको इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। तो किसी को भी परेशान नहीं होना है कि सर न्यू क्या पढ़ना है, क्योंकि जो आपके नोट्स बन गए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम टाइम में, अब आपका टाइम बचा हुआ है कम, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम एग्जाम से पहले हम कुछ न्यू नहीं पढ़ते, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है आपकी टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन मोड पर भी है, ऑफलाइन मोड पर भी है। जिस तरीके से आप एग्जाम देने जाएंगे बीपीएड एमपीएड का, तो वहाँ पर वो ऑनलाइन मोड पर जो आपका पोर्टल खुलेगा, सेम उसी तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज है, आपका टाइम चलेगा, आपके क्वेश्चन उसी तरीके से आएंगे, सबमिट करने होंगे। अगर आपके 50 जो है क्वेश्चन राइट होते हैं तो आप फिक्स हो जाएंगे, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करें, आपको न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, न्यू पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद।